दोस्तों कहते हैं ना, जाको राके साई आम मार सके ना कोई। तभी तो तोप के गोले के इतने पास फटने के बाद भी किसी का भी बचना नामुमकिन होता, और जिन्हें डॉक्टर्स ने भी मुर्दा घोषित कर दिया था उसके बाद भी वो फिर उठ खड़े हुए और एक पैर कटने के बाद भी ना सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि कई मैराथन में जीत कर 18 से भी ज्यादा अवार्ड ने नाम कर दिए। हम बात कर रहे हैं मेजर देवेंद्र पाल सिंह की, जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने जैसे कई और फिजिकली चैलेंज लोगों की लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर बनकर चेंज ला रहे हैं। आज हम कारगिल वॉरियर ग्रेट सोल्जर मेजर डीपी सिंह की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें अपने अंदाज में आपको बताएंगे। दोस्तों ये उस टाइम की बात है जब 15 जुलाई 1999 को इंडिया पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर चल रही थी। उस टाइम मेजर डीपी सिंह के पास एक तोप का गोला आकर फट गया जिससे वो पूरी तरह घायल हो गए और उन्हें तब पास के आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मेजर की बॉडी को देखते ही उन्हें घोषित कर दिया, पर एक सोल्जर इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और तभी उनकी बॉडी मूव करने लगी, उनकी सांस चल रही थी, डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। मेजर के लिए मौत भी किसी दुश्मन से कम नहीं थी, वो उससे भी लड़ रहे थे। पर मेजर की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को गैंग्रीन की वजह से इफेक्टेड उनका बायां पैर काटना पड़ा। यहां तक कि अभी भी मेजर के शरीर में बम के काफी टुकड़े थे जो डॉक्टर्स अभी भी पूरी तरह निकाल नहीं पाए थे। मेजर की लाइफ तो बच गई थी पर उनकी सुनने की पावर कम हो गई थी और डॉक्टर्स को बम के बचे हुए टुकड़े निकालने के लिए कई बार उनके पेट पर ऑपरेशन करना पड़ा। आर्मी में जाने से पहले हर सोल्जर को हर टाइप की सिचुएशन में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। शायद इसीलिए मेजर इरादों के इतने मजबूत थे जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया था कि अपनी इस डिसेबिलिटी को वो कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे और इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे। हॉस्पिटल से बाहर आकर उनको एक आर्टिफिशियल पैर लगा दिया गया, लेकिन मेजर को चलने में काफी दर्द होता था और कई बार उनके पैर से ब्लड भी आने लगता था। दर्द को सहते हुए भी मेजर ने चलना बंद नहीं किया और कुछ ही महीनों में लगातार कोशिशों के बाद वो चलने लगे। इसके बाद उन्होंने दौड़ना शुरू किया। उस टाइम मेजर को फाइबर ब्लेड से बने आर्टिफिशियल पैर के बारे में पता चला जो कि काफी फ्लेक्सिबल थे रनिंग के लिए। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया। उन्होंने फाइबर ब्लेड से बने पैरों के साथ दौड़ना शुरू किया और इतना दौड़ा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मेजर डीपी सिंह इंडिया के फर्स्ट ब्लेड रनर बन गए थे। मेजर को 2016 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पीपल ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा वो 3 और लिम्का अवार्ड जीत चुके हैं। 2018 में उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। आज मेजर डीपी सिंह एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही द चैलेंजिंग वंस नाम की एक संस्था भी चलाते हैं जिसमें वो फिजिकली चैलेंज लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर से लाइफ जीना सिखाते हैं। दोस्तों बैरियर हमारे सिर्फ माइंड में होते हैं, एक बार अपने माइंड के बैरियर्स को हटा दिया ना तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दिस इज पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।